नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ज्योतिष वास्तु चैनल ABS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और सनातन हिंदू धर्म में सोना चांदी पीतल तांबा आदि को बहुत ही शुभ और पवित्र धातु बताया गया है। दोस्तों, पुरातन काल से ही भारतीय घरों में तो पीतल के बर्तनों में भोजन पकाना और खाना सेहत के लिए शुभ और शान की बात समझा जाता रहा है। कहा जाता है कि शुभ दिन में खरीदे गए सोने चांदी पीतल तांबे आदि धातुओं में कई गुना शुभ फलों की वृद्धि होती है, इसीलिए लोग अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे शुभ त्योहारों पर जमकर इन धातुओं की खरीदारी करते हैं। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि पीतल या पीतल से बनी वस्तुएं या बर्तन आदि किस दिन खरीदना चाहिए और किस दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीतल के बर्तनों में भोजन पकाने या खाने से नवग्रहों में देव गुरु बृहस्पति मजबूत होकर आदमी के शरीर से धीरे धीरे विषैले तत्व बाहर निकालकर उसके शरीर को शक्तिशाली और मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, पीतल में कुछ कॉपर और जिंक के मिक्सचर का समावेश भी होता है और उसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और ताकत देने के लिए आध्यात्मिक उपचार गुण मौजूद होते हैं। दोस्तों, जिंक शरीर में विषैले पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आमतौर पर अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, धनतेरस, ईद, दीपावली के महाशुभ दिनों में किसी भी बार पर पीतल या पीतल से बनी वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये आपकी सुख समृद्धि में लाभ ही करेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्ताह के आम दिनों में पीतल खरीदने के सबसे ज्यादा शुभ दिन बुधवार, रविवार, गुरुवार और मंगलवार माने जाते हैं। इन दिनों में खरीदे गए पीतल से आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि बरकत आदि होगी। इन दिनों में खरीदे गए पीतल से जन्म कुंडली में बुद्धि, सुख, समृद्धि, ज्ञान और मजबूत स्वास्थ्य प्रदान करने वाले ग्रह बुध, गुरु, मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और आदमी के जीवन में धन सुख संपदा में वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल और शनिवार के दिन पीतल खरीदने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आपको मानसिक शांति और धन हानि झेलना पड़ सकता है। इसलिए शनिवार और ग्रहण काल के दिन पीतल खरीदने से अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह छोटी सी जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद। जय भारत। आपका समय शुभ रहे।